न्यायियों की पुस्तक अध्याय छः। न्यायियों की पुस्तक अध्याय छः। गिदोन का चरित्र। तब इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा, और मिद्यानी इसराइलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इसराइलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए, और जब जब इसराइली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नाश कर डालते थे, और इसराइलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट की भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे, और मिद्यानियों के कारण इसराइली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इसराइलियों ने यहोवा की दोहाई दी। जब इसराइलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दोहाई दी, तब यहोवा ने इसराइलियों के पास एक नबी को भेजा, जिसने उनसे कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरब्बस निकालकर उनका देश तुम्हें दे दिया, और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजेर की योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, बिनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्यकर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी इच्छा शक्ति पर जा, और तू इसराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, बिनती सुन, मैं इसराइल को क्यों कर छुड़ाओ? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है, जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकालकर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहां से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदे की अखमीरी रोटियां तैयार की, तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अखमीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गई। तब
यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से अंतर्ध्यान हो गया। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबीएजरियों के ओपरा में बनी है। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होमबलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिनों को न कर सका, इसलिए रात में किया। बिहान को नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है और उसके पास की अशेरा कटी पड़ी है और दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। तब वे आपस में कहने लगे, यह काम किसने किया है, और पूछपाछ और ढूंढान करके वे कहने लगे कि यह योआश के पुत्र गिदोन का काम है। तब नगर के मनुष्यों ने योआश से कहा, अपने पुत्र को बाहर लिया कि मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है और उसके पास की अशेरा को भी काट डाला है। योआश ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े हुए थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे, क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाएगा, बिहान तक ठहरे रहो, तब तक यही वह परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उससे वह आप ही अपना विवाद करे। इसलिए उन दिनों गिदोन का नाम यह कहकर यरूब्बाल रखा गया कि इसने जो बाल की वेदी गिराई है तो इस पर बाल आप विवाद कर ले। इसके बाद मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी इकट्ठे हुए और पार आकर इज़राइल की तराई में डेरे डाले। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका, तब अबीएजरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। फिर उसने कुल मनुष्य के पास अपने दूत भेजे और वे भी उसके समीप इकट्ठे हुए और उसने आशेर जुबलून नप्ताली के पास भी दूत भेजे, तब वे भी उसको मिलने को चले आए। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे पास छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा, और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने बिहान को सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल उस ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रही और सारी भूमि पर ओस पड़ी।